हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट एंड क्रिएशन। में आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको दबा दीजिए। और उसके साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है, आप उसको भी दबा दीजिए। ऐसा करने से मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी जो हमारी जिग जैग मशीन है, कढ़ाई वाली मशीन है, उसको हम सिलाई की मशीन कैसे बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक दो पेच लगे होते हैं, आप उन दोनों को खोल दीजिए। ऐसे करके पेच खोल दीजिए। ये प्लेट अलग हो जाएगी। यहाँ पर हमारे दो, यहाँ दो छेद दिए हुए हैं। यहाँ पर ये हमारे मशीन के साथ हमें ये पार्ट्स मिलते हैं। इस तरह की प्लेट होते हैं और इस तरह का एक पुर्जा देते हैं जो इसको हम अंदर लगाते हैं, और एक ये प्लेट होती है। ये प्लेट हमारी कढ़ाई के लिए होती है और ये सिलाई के लिए होती है। जब हम मशीन लेते हैं उसके साथ ही ये दोनों पार्ट्स मिलते हैं। और दो ये छोटे छोटे पेच लगे होते हैं। ये प्लेट को हम ऐसे लगाएंगे, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट लगी लगाने के लिए हम यहाँ पर पेच लगाएंगे। छोटे पेच से हम ये पेच लगाएंगे। उसको पूरा टाइट करके पेच बंद कर दीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर ये सिलाई वाली प्लेट लगाएंगे, ये वाली जिसके यहाँ दो खाने बने होते हैं, वो वाली प्लेट लगाएंगे। और ऊपर ये पेच लगा देंगे इसके ऊपर, ऐसे पेच कैसे पेच टाइट। जिगजैग बनाने के लिए या सिलाई करने के लिए ऐसा एक आपको पैर मिलेगा मशीन के साथ, एक पेच मिलेगा। आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पीछे एक रॉड बनी हुई है, यहाँ पर पीछे देखेंगे आप, यहाँ पे एक रॉड बनी हुई है, उसके साथ इसको लगा देंगे। इस तरह हमारी ये सिलाई वाली मशीन बन जाएगी। ये देखिए, ये हमारी सिलाई मशीन जैसी सिलाई बननी शुरू हो गई। एक नीचे एक यहाँ पर पेच लगा है, दो नंबर पर इसको करके आप इसको इस पेच को टाइट कर दीजिए। ऐसा करने से ये मशीन पर जिग जैक बनेगा। ये हम जिग जैक हम बेड कवर्स की बीडिंग पर भी कर सकते हैं। देखो, ऐसे इसको फोल्ड करके आप इसको फोल्ड कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पर रखकर ये
फोल्ड करके आप बाजार की तरह बीडिंग कर सकते हैं। जैसे बाजार में चादरों पर बीडिंग दी होती है, आप वैसे उसकी बीडिंग कर सकते हैं। चादरों पर बीडिंग की जाती है, आप इस जिग-जैग मशीन पर घर पर ही कर सकते हैं। ये चादर वाली जो बीडिंग है, आप बच्चों की कोटशीट पर भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों की कोटशीट बनानी अगर आपको, तो उसके ऊपर भी आप ये जिग-जैग मशीन से ऐसे बना सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी दो कपड़ों को कैसे जोड़ेंगे जिग-जैग मशीन पर। ये जो जिग-जैग का पैर होता है, इसको दो कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए आप इसको ऐसे एक थोड़ा से इसके ऊपर रख दें, कपड़े के ऊपर रख दें, कपड़े एक कपड़ा दूसरे कपड़े के ऊपर रख दें, और यहाँ से ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, और दो कपड़ों को भी आप इससे जोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने दो कपड़ों को उसमें जोड़ दिया।